अपने गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के बाद मार्कस ट्वेंस के अर्धशतक के बूते लखनऊ सुपर जाइंट्स ने आईपीएल 2024 के 48वें मैच में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। अपने घर अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस को 6 विकेट पर 144 रन पर रोक दिया। बाद में 4 गेंद 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। निकोलस पूरन 14 गेंद में 14 रन और कृणाल पंड्या 1 गेंद में 1 रन बनाकर नाबाद लौटे। मुंबई इंडियंस की ये लगातार 3री हार है, इसी के साथ उसकी प्लेऑफ की उम्मीदें भी धुंधली नजर आ रही है। ये लखनऊ सुपर जायंट्स की 10 मैच में 6ठी जीत है और उसके 12 पॉइंट्स हो चुके हैं। केकेआर के भी इतने ही अंक हैं, लेकिन बेहतर रन रेट के आधार पर वह 2रे नंबर पर हैं और लखनऊ उससे ठीक नीचे 3रे नंबर पर। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस की मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि 10 मैच में 7री हार के साथ टीम 6 पॉइंट पर ही अटकी हुई है और पॉइंट टेबल में आखिरी से नीचे पोजीशन पर खड़ी है। T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम की घोषणा से ठीक पहले मार्कस ट्वेंस जबरदस्त फॉर्म दिखा रहे हैं। पिछले मैच में वह भले ही 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन उससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ शतक जड़ा था, तो इस मैच में उन्होंने 45 गेंद में 62 रन बनाकर सबका दिल जीत लिया। यह उनका सीजन का 2रा अर्धशतक था। छोटे से लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ के एक छोर से विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरी एंड पर ट्वेंस मोर्चे संभाले खड़े थे। लखनऊ के लिए डेब्यू कर रहे अर्जुन कुलकर्णी अपनी पहली गेंद पर आउट हो गए। केएल राहुल ने 22 गेंद में 28 रन बनाए। दीपक हुड्डा 18 गेंद में 18 रन, एस्टन टर्नर 9 गेंद में 5 रन और आयुष बडोनी 6 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हुए। पहले बल्लेबाजी के लिए भेजी गई मुंबई ने पावर प्ले के भीतर ही 4 विकेट गंवा दिए थे। नेहल वडेरा और ईशान किशन 5वें विकेट के लिए 53 रन की साझेदारी कर भी टीम को बड़ा स्कोर नहीं दे सके। टिम डेविड ने 18 गेंद में 35 रन बनाए, जिसमें आखिरी ओवर में बनाए गए 17 रन शामिल थे। ईशान किशन ने 32 तो नेहल वडेरा ने 46 रन बनाए थे। मुंबई का टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम रहा और पहले 6 ओवर में 4 विकेट 28 रन पर गिर गए। यह सीजन में पावर प्ले में 2रा सबसे कम स्कोर था। बर्थडे बॉय रोहित शर्मा को 4 रन पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने आउट किया। रवि बिश्नोई के सटीक थ्रो पर तिलक वर्मा रन आउट हुए। कप्तान हार्दिक पांड्या को नवीन उल हक ने पहली गेंद पर बिना खाता खोले आउट कर दिया। मुंबई का स्कोर 5.2 ओवर के बाद 4 विकेट पर 27 रन था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खेल और स्पोर्ट्स की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहिए NBT स्पोर्ट्स के साथ।